चलो दादाजी आज की कहानी शुरू करते हैं। हाँ बेटा, आज मैं तुम्हें तेनाली रामा की कहानी सुनाऊंगा। एक बार की बात है, एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था चेला राम। और चेला राम को सब लोग कहते थे कि जो इसको देख लेता है, इसका मुंह देख लेता है, उसको पूरे दिन खाना नहीं मिलता, वह इंसान पूरे दिन भूखा रहता है। अब यह बात परखने के लिए महाराज ने उसे अपने सामने बुलाया और कहा कि तुम आज से मेरे सामने वाले कमरे में रहोगे। चेला राम महल में आकर बहुत खुश था, उसे राजसी भोग भोगने को मिल रहा था और बड़ा मजा आ रहा था। एक दिन महाराज की नींद अचानक से खुल गई तो उन्होंने अपने कक्ष के बाहर देखा तो उसकी नज़र सामने वाले कमरे में रह रहे चेला राम पर पड़ गई, जो अपने कमरे के झरोखे में खड़ा था। अब संयोगवश उसी दिन ऐसी स्थिति बनी कि महाराज को भी पूरे दिन खाना नहीं मिला। महाराज ने गुस्से में सैनिकों को बुलवाकर चेला राम को अगले दिन ही फांसी पर लटकाने का हुक्म सुना डाला। अब यह खबर सुनकर चेला राम की तो सांसें ही अटक गई। चेला राम बहुत परेशान था कि तभी उसके कमरे में तेनाली रामा पहुंच गया। बोला, अब मैं तुमसे जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करना। चेला राम ने हाँ में गर्दन हिला दी। तब तेनाली रामा बोला, कल जब तुम अपनी अंतिम इच्छा में पूरी प्रजा के सामने कुछ कहने के लिए बोला जाए तो तुम कहना कि मैं पूरी प्रजा के सामने कुछ कहना चाहता हूँ। अब अगले दिन जब चेला राम की अंतिम इच्छा के अनुसार नगर में सभा बुलाई गई, सब लोगों के सामने आकर चेला राम ने कहा, भाइयों, मेरा चेहरा देखने से तो लोगों को खाना नसीब नहीं होता, लेकिन जो महाराज का चेहरा देख लेता है उसे तो सीधे मौत मिलती है, मौत। अब चेला राम की ये बात सुनकर महाराज अचंभित हो गए। उन्होंने तुरंत फांसी रुकवा दी और बोले, चेला राम से पूछा, तुमने ये सब किसके कहने पर बोला है? चेला राम बोला, महाराज, तेनाली रामा के सिवा ये कौन बता सकता है, मैंने ये सब तेनाली रामा के कहने पर ही बोला था। महाराज ने तुरंत ही तेनाली रामा को अपने पास बुलाया और बोला, तेनाली रामा, आज तुमने हमें एक बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। तो बच्चों, इस तरह तेनाली रामा की सूझबूझ से चेला राम के प्राण बच गए और उसने तेनाली रामा को धन्यवाद कहा।